नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे, जिसके माध्यम से एक कोशिश की जा रही है कि चंपावत जनपद के जितने भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के क्षेत्र हैं, उन सबको आप सबके सामने प्रस्तुत करने की। तो आज उसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं चंपावत से। चंपावत मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर चंपावत और लोहाघाट शहर के एकदम बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जिसका नाम है मानेश्वर महादेव। तो ये है वो जगह, वो एक तीर्थ के रूप में ये यहाँ पर जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास क्या है, किस तरीके से ये पांडवों से जुड़ा हुआ है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, इस मंदिर के पीछे कहानी क्या है, इस मंदिर की और क्या खास बात है, इस मंदिर की वास्तुकला से संबंधित क्या चीज़ें जानने लायक है, उन सब बिंदुओं पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत तीर्थ की ओर, जिसका नाम है मानेश्वर। मानेश्वर महादेव से संबंधित जो पौराणिक मान्यता है, जो यहाँ जनश्रुतियों में प्रचलित है, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। और वो इस प्रकार है कि जब पांडव इस क्षेत्र में वनगमन कर रहे थे, तो आमलकी एकादशी का दिन करीब था और पांडवों के जो पिता थे पांडु, उनका श्राद्ध होना उस दिन सुनिश्चित था। तो सारी चीज़ें थी श्राद्ध से संबंधित, जिससे श्राद्ध को करवाया जाना तय हुआ था। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो था कैलाश मानसरोवर का पावन जल। तो इस जल को यहाँ पे कैसे लाया जाए और किस तरीके से श्राद्ध किया जाए पांडु का, तो इस बात को लेकर काफ़ी माथापच्ची हुई पांडवों और कुंती के बीच। तो आखिर में अर्जुन ने अपने गांडीव से ज़मीन पर एक बाण मारा और उसके फलस्वरूप ज़मीन से एक जल की धारा प्रस्फुटित हुई। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस जल की साम्यता स्थापित की गई, वो साम्यता स्थापित की गई कैलाश मानसरोवर के पवित्र जल के बराबर। और बाद में उस जल से जो है सभी भाइयों ने मिलकर अपने पिता पांडु का श्राद्ध किया। तो मेरे पीछे जो ये जगह है, ये वही जगह है, वही पावन जगह है, जहाँ पर वो जलधारा ज़मीन से निकली और उसको कैलाश मानसरोवर के पावन जल के बराबर माना गया। आइए देखते हैं वो स्थान कहाँ पे है और बाद में कैसे यहाँ पर पांडवों ने उस शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित किया, शिव के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रदर्शित करने के लिए। आइए, तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर है वो पावन शिवलिंग, जिसे बाद में यहाँ पर पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया। बहुत पुराना शिव मंदिर है, बहुत मान्यता इससे जुड़ी हुई है और बहुत क्षेत्र के लोग यहाँ पे पूरे श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर आते हैं। कल ही शिवरात्रि का पर्व था, लोग अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ पे चढ़ाने आते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की गुहार लगाते हैं। आइए, और ये है वो जगह, वो गुप्त नौला जहाँ पर पानी की धारा ज़मीन से फूटी थी। ये बंद है अभी, क्योंकि ये संवेदनशील स्थान है, अपनी संवेदनशीलता के कारण इसको जो है बंद किया गया है। और अभी यहाँ पे जो है इसमें हम देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। तो ये वो जगह है, हम लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं चंपावत के वासी कि इतने महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। और ये जो भी बातें हैं, इन सभी बातों का जिक्र जो है स्कंद पुराण के मानस खंड के 65वें अध्याय में किया जा चुका है, तो ये देख सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे, इस जो मंदिर की दीवारें हैं, इन मंदिर की दीवारों में अंकन है, ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये आप सूट देख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें पुताई कर दी गई है, ये अपने मौलिक स्वरूप से ये थोड़ा सा हट गई है, इसलिए अभी एकदम से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये गणेश जी की प्रतिमा है और इसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी अंकन है। इस मंदिर के जो आंतरिक प्रवेश द्वार है, गर्भगृह के जस्ट बाहर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दुर्गा, सिंहारूढ़ दुर्गा की आकृति है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको जो है बनाया गया है। और एक अन्य आकृति यहाँ पे भी है, ये आकृति हनुमान जी से इसको हम जोड़ सकते हैं, हनुमान जी की आकृति है। और बाहर भी जो है इसमें नंदी की आकृति है, जहाँ भी शिव जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ भी ये नंदी की आकृति देख सकते हैं, जिसके कानों में बात कहकर जो है भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की बात कही जाती है। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसमें यह डिज़ाइन बनाया गया है। इसके सामने ये कछुए की आकृति है,
ये कूर्म क्या करती है, ये कूर्म जो है उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है ये कछुआ। और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो क्षेत्र है और यहाँ पे जो क्रांतेश्वर पर्वत है चंपावत में, चंपावत स्टार्टिंग जब शहर शुरू होता है तब वहीं पर क्रांतेश्वर पर्वत है जहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार के रूप में 3 साल तक तपस्या करी और बाद में वह प्रदेश कूर्म अवतार के कारण कूर्मांचल प्रदेश कहा जाने लगा। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इस क्षेत्र का नाम कुमाऊं क्यों पड़ा, इसके पीछे भी उस कूर्म प्रदेश की जो है मान्यता होने की बात कही जाती है। तो ये कछुए की हम यहाँ पे आकृति देख सकते हैं और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण अवतार है। तो ये वो जगह थी जहाँ पर अर्जुन ने अपने गांडीव से ज़मीन पर बाण मारकर कैलाश मानसरोवर के समान जल को जो है यहाँ पर लाए। और एक शाखा उस नौले की यहाँ पे भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी यहाँ पर पावन कर्मकांड होते हैं इस नौले के जल से किए जाते हैं, बहुत मान्यता है इस नौले की। इस नौले को अगर हम देखें और इस नौले की एक खास बात है यहाँ के चंपावत क्षेत्र या उत्तराखंड में नौलों की, जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है उनके समीप एक नौला अवश्य होता है। तो आंतरिक दीवारें फिलहाल इस नौले की सादी है और चूंकि इसमें जीर्णोद्धार हुआ है तो इसमें अगर कोई ओरिजिनल चीज है तो वो इस समय उसको देखना जो है काफी मुश्किल है। लेकिन एक ये स्तंभ हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैसा स्तंभ है जो यहाँ के मंदिरों में यूज होता है, यहाँ के नौलों में यूज होता है एक स्तंभ, और वर्गाकार कुंभिका पर आधारित है। यह हीरक आकृति इसमें बनी हुई है, मजबूत तरीके से इसको आप देखें बनाया हुआ है और चूंकि ये पूरा जीर्णोद्धार इसका हो चुका है तो एकदम क्लियर इसकी जो है आकृति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो इस क्षेत्र की एक खास बात और है कि 1962 से पूर्व जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पैदल होती थी तो ये क्षेत्र जो है ये एरिया उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव था और पहले यात्री टनकपुर में शारदा नदी में स्नान करते थे। उसके बाद चंपावत में बालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मानेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। चूंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा है और यहाँ का जो जल है वो कैलाश मानसरोवर के बराबर ही उतना पावन है, उतना पवित्र है, तो एक पड़ाव ये था। और फिर अगले दिन ये यात्रा निकलती थी ऋषेश्वर महादेव जो कि लोहाघाट जगह में है, लोहाघाट शहर में है, और उसके बाद रामेश्वर एक पड़ाव होता था। तो इस तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था कैलाश मानसरोवर की यात्रा का। तो आइए अब देखते हैं इस मंदिर के स्थापत्य के बारे में कि क्या क्या चीज़ उसमें खास है। आइए अब देखते हैं इस मंदिर के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें कि इसको किसने बनाया और कब इस मंदिर का निर्माण हुआ जो हमको इस समय दिखाई दे रहा है, जो इसका स्वरूप हमको अभी दिखाई दे रहा है। तो ये जो मंदिर है मानेश्वर मंदिर, इस मंदिर में शिवलिंग तो स्थापित पांडवों के द्वारा काफ़ी पहले किया जा चुका था लेकिन जो इसका हम इस समय वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं ये चूँकि चंद्र राजाओं की भूमि है, चंद्र राजाओं ने क्षेत्र पर शासन किया काफ़ी लंबे समय तक, तो जो ये मंदिर का निर्माण हम देख रहे हैं तो जिस राजा ने इसको बनाया उसका नाम था नामीचंद, या फिर जो दूसरे रूप में उस दूसरा नाम जो उस राजा का जाना जाता है वो है निर्भयचंद, जिसने लगभग 1149 से 1170 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में शासन किया था। तो ये जो वर्तमान स्वरूप है ये चंद राजा निर्भयचंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और अगर इसको करीब से देखें तो ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और आप देख सकते हैं कि ऊपर चूंकि इसमें निर्माण बाद में इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, नए तरीके से इसको बनाया है, इसलिए इसकी वैसी आकृति नहीं है जो हम अमूमन यहाँ के मंदिरों में देखते हैं, जो नागर शैली की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे फिलहाल नहीं है। कोई स्तंभ हमको इस तरीके से दिखता नहीं है, ना ही कोई अग्रमंडप हमको आगे दिखता है। तो लेकिन एक जो ऊपर आकृति आप देख सकते हैं वो हमको आमलक शिला दिखाई दे रही है ऊपर, और उसके ऊपर कलश है जिसमें बाद में जो है ये त्रिशूल जो है स्थापित किया गया है। और अगर इसको इस मंदिर कैंपस को अगर हम करीब से देखें तो इस मंदिर कैंपस की जो सबसे खास बात है जो यहाँ के अन्य मंदिरों में कम है लेकिन यहाँ पे वो बहुतायत से है और वो ये है कि काष्ठ कला का प्रयोग। तो पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी स्थापत्य से संबंधित चीजें हैं उसमें काष्ठ सामग्री का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है और ये मंदिर उनमें से एक है। यहाँ पे कई आकृतियां भी ऐसी है जो लकड़ी की बनी हुई है, इसके पीछे कई कारण है, एक तो यहाँ पे लकड़ियों का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना और दूसरा जो है यहाँ के लकड़ियों की पवित्रता, एक तो चीड़ का यहाँ के उसमें प्रयोग हुआ है इमारतों में और दूसरा प्रयोग हुआ है देवदार का। चीड़ की लकड़ी से ज्यादातर स्तंभ या शहतीर जो होते हैं वो बनाए जाते थे और देवदार की लकड़ी जल्दी खराब नहीं होती है और मजबूत होती है और पवित्र उसको माना जाता है, इसलिए कई यहाँ पे इमारतों में जो है देवदार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये तो एक मंदिर का हिस्सा ये है। और दिलचस्प चीज़ ये है कि आप ये देख सकते हैं ये मंदिर का शिखर भाग हमको दिख रहा है,
और ये शिखर देख सकते हैं आप, अमूमन जो मंदिर यहाँ पे है वैसा ही है, और इसके ऊपर ये आमलक शिला है और उसके ऊपर कलश है। तो ये दिलचस्प चीज़ ये है कि जो ये शिखर बना हुआ है ये उसी नौले के नीचे है जो नौला कैलाश मानसरोवर के बराबर महत्व वाले जगह के ऊपर स्थित है। तो ये देख सकते हैं आप शिखर, और एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो एक दो इसमें आकृतियाँ जो यहाँ की इमारतें हैं मंदिरों की उसमें जो मिलती है वो है कमल का अंकन है, और शिव के अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार है, और उसके साथ साथ हाथी है या कई अन्य जो जानवर है जो हमारे पौराणिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं उनका अंकन हमको यहाँ पे मिलता है। और नमूने के रूप में एक अंकन हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, वो है हाथी का अंकन। और ये देख सकते हैं आप कि कितने खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पे ये हाथी का अंकन किया गया है। तो बहुत ही ये देख सकते हैं आप करीब से हाथी है, और इसके ऊपर एक शॉल जैसा जो उसकी पीठ पर सुशोभित हो रहा है वो आप यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो ये थी इस मंदिर की स्थापत्य से संबंधित चीज़ें। तो अब तो ये था मानेश्वर महादेव, और देखा आपने इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में, इसके धार्मिक महत्व के बारे में, इसके स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है हमारे चंपावत जनपद का, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, और एक आने वाली पीढ़ियों को इस चीज़ के बारे में हमको अवगत कराना चाहिए, और तभी हम ऐसे महत्वपूर्ण जगहों को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को जो है यहाँ पर आने के लिए हम लोग आकर्षित कर सकते हैं, ताकि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं वो जो है पर्यटन के मानचित्र पर अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।